हाय फ्रेंड्स, आज हम आए हैं रिवांश के स्कूल में। एनुअल फंक्शन है वहाँ पे। ये एक उनका फंक्शन स्टार्ट होने से पहले चिल्ड्रंस परेड था, जिसमें सारे ब्रांचेस के बच्चे आए थे और वो जो परफॉर्म करने वाले थे वो लोग एक परेड निकाल रहे थे। उसके बाद ये एक आर्ट एग्जीबिशन लगाया था उन्होंने, जिसमें सारे ब्रांचेस के बच्चों के जो बेस्ट आर्ट पीस थे वो लगे हुए थे। बहुत अच्छा था। आज छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक के आपको सारे डिज़ाइंस दिख रहे थे, काफ़ी सारे ब्रांचेस के थे, तो अच्छा लग रहा था। इधर ये DIY वर्कशॉप्स था, जहाँ पे वो लोग कैंडल मेकिंग, वुड कवर वो सब दिखा रहे थे। म्यूजिक परफॉर्मेंसेस हो रही बच्चों को। के बच्चे डांस परफॉर्म कर रहे थे, काफ़ी एनर्जी था, काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर था। माई मैथ्स के जो डिफरेंट बच्चे कर रहे थे अलग अलग ब्रांचेस के, मेनली उनका जो थीम था वो मशीन वर्सेस ह्यूमन था। वो लोग दिखा रहे थे कि हम अभी की जनरेशन और ओल्ड जनरेशन में क्या डिफरेंस है। काफ़ी बच्चों ने अच्छी एक्टिंग की थी इसमें। कि पुराने टाइम में कैसे सब्जियां लेते थे, कैसे पैसे देते थे और सामान खरीदते थे। यहाँ पे पहले के टाइम में कैसे खाना बनता था, कैसे रोटी बनाते थे, वो सब दिखा रहे हैं। ये न्यू मशीन से कैसे मिक्सी से करंट लगा, बच्चों के खेलने का तरीका पुराने टाइम में कैसे बच्चे इंजॉय करते थे, बर्ड्स रहते थे हमारे पास, और अभी के टाइम में जब लोग बाइक्स चलाते हैं तो कितना पॉल्यूशन है। अभी आजकल के बच्चे कितना मोबाइल स्क्रीन्स पे हैं और उन्होंने एकदम फिजिकल बंद कर दिया है, तो ये काफ़ी अच्छे थे माइंड्स के एक्ट। हमें तो बहुत मज़ा आया है यहाँ पे जाके। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसे लगे ये एक्ट्स। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।